आईपीएल 2023 के 11वें मुकाबले में एमआई की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से 8 अप्रैल यानी आज शाम 7:30 बजे होगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है तो आईपीएल की एक बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है। ये दोनों टीमें आईपीएल की सबसे सफल टीमें हैं। आइए जानते हैं कि दोनों टीमों का रिकॉर्ड क्या बताती है और वानखेड़े की पिच कैसे रहेगी, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई इंडियंस ने अब तक कुल 5 खिताब जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 आईपीएल खिताब अपने नाम किए हैं। वहीं आईपीएल 2023 में एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की टीम ने 2 मुकाबलों में से 1 मुकाबला जीती है और 1 मुकाबला हारी है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस मात्र 2023 में 1 ही मुकाबला खेले हैं, जिन्हें आरसीबी के हाथों उन्हें 8 विकेट के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं वानखेड़े की पिच की बात करें तो टॉप की भूमिका यहां अहम है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहती है और इसी मैदान पर कुल 8 इंटरनेशनल टी20 मैच खेले गए हैं। उनमें 5 मुकाबले चेज करने वाली टीम जीती है, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मात्र 3 ही मुकाबले जीते हैं। दरअसल आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें 15 बार सीएसके को जीत मिली है, जबकि मुंबई इंडियंस को 21 बार जीत का स्वाद चखा है। दोनों टीमें कई बार आईपीएल का खिताबी मुकाबला भी खेल चुकी है। पिछले सीजन दोनों टीमों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। वहीं सीएसके की टीम की तरफ से आईपीएल में सबसे ज्यादा रन सुरेश रैना ने बनाए हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 32 मैच खेलते हुए 736 रन बनाए हैं, जबकि मुंबई इंडियंस की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने 30 मैच खेलते हुए 711 रन बनाए हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि आज के मुकाबला चेन्नई जीतेगी या मुंबई इंडियंस।